शुरू करें भाई लोग, लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आप लोग आपके इस करिकुलम में डील करने वाले हो. बट अगेन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इससे पहले फन फैक्ट की तरह इसको समझना. आपका जो पूरा एंटायर पोर्शन है ना, इसको इन लोगों ने बड़ी स्मार्टली ड्राफ्ट किया है. बट क्वेश्चन दे अंडरस्टैंड बिकॉज इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फेमा 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 पूछ के इतना ओवर कर दिया है. फेमा, एफ सी आर ए, ओ डी आई, एफ डी आई, दे अंडरस्टैंड दैट दिस, यू नो, आपने बहुत ज़्यादा रकस क्रिएट किया है. जिसके अंदर ये जो चैप्टर है, आपका चैप्टर फोर है. चैप्टर फोर क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का. मैं आपको आपके फैक्ट में, आप फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट जो आपके दोस्त अभी जा रहे हैं एग्जाम देने या फिर जब आप जाने जा रहे होंगे, फेमा के ऊपर पहली बात बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. और डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर आपको भी इनके स्कैनर्स में उठा के देखोगे ना, तो हर चैप्टर से बड़े पेटेंटेड क्वेश्चन है जो बड़े डायरेक्ट 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 बार बार रिपीट होते हैं. इसमें हल्का सा हे एंड वाई बस हल्का सा चेंज करते हैं. अपन ने इसको एकदम सेंट्रलाइज में बनाया कि जो मैक्सिमम पार्ट इसके अंदर चैप्टर में से आ सकते हैं आपके, उनके ऊपर पूरा का पूरा कवर किया है. एक बार अपन ये करेंगे, इसके बाद ना अपन इसकी मॉड्यूल की रेड लेंगे प्रायर टू योर टेस्ट जो मैं आपके अभी कंडक्ट करने वाला था, जो मैं अभी लास्ट लेक्चर में बोल के गया. इसकी एक और आपको मॉड्यूल की भी रीड दिलाऊंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चंस दूंगा, सो दैट यू गेट अ ग्रेट आइडिया अबाउट हाउ दिस एक्चुअली एफ सी आर ए वर्क्स. अब है ना, 5 मिनट के लिए सिर्फ बात समझनी है कि हम आ कहाँ से रहे और क्यों इस बात पर आ रहे हैं. एक्ट का ईयर कौन सा है, यू कैन सी इट्स 2010. तो हमने बोला कि सर पहले ना हमको ये मत समझाओ कि क्या है. एक्ट है 2010 का, इससे पहले क्या हुआ करता था. अच्छा, इससे पहले भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ही हुआ करता था, पर पहले चलता था वो 1976. अभी एफसीआरए 2010 है. तो पहली बात आपको समझ में आई कि सर 1976 से कोई एक्ट था जो चल रहा था जिसको हमने 2010 के अंदर रिपील किया और अभी करंटली हम 2010 का एक्ट फॉलो करते हैं. सर एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का नाम है कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. सर आगे छोड़ दो, पहले ना इन दो मतलब का मतलब बता दो. फॉरेन का मतलब होता है ऐसा पैसा जो मेरे देश से ना, मेरे देश के बाहर से आ रहा हो, दैट्स अ फॉरेन मनी फॉर मी. आपने वर्ड यूज किया सर कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई आपको डोनेशन दे रहा हो, ये कंट्रीब्यूशन है. कोई आपके अंदर आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हो, कंट्रीब्यूशन है. कोई आपको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहा हो, कंट्रीब्यूशन है. आपने बोला सर ये हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपकी 5-स्टार होटल में बुकिंग कराई है यहाँ पे आने के लिए, फ्लाइट की टिकट्स बुक करा के दी आपको यहाँ पे आने के लिए, साथ में आपके अकाउंट में कुछ पैसे भी डाले. नाउ दैट्स हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम माय एंड, इवन दैट इज कॉल्ड अ कंट्रीब्यूशन. आपने बोला सर कंट्रीब्यूशन और क्या हो सकता है, इन द सेंस मैंने आपको गिफ्ट दिया जिसकी वैल्यू स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा है, दैट्स कंट्रीब्यूशन. मैंने आपकी मार्केटिंग के लिए देश में आके कहीं खर्चा किया, कंट्रीब्यूशन. तो आपने बोला सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कंट्रीब्यूशन इज समथिंग जो आप अर्न नहीं करते, कंट्रीब्यूशन इज समथिंग जो आप अर्न नहीं करते, आपको विरासत फोकट या फिर बाय देयर चॉइस मिलती है. हमने कहा बिल्कुल. इसका मतलब है कि कल अगर तुम लोग बाहर जाके कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसके लिए पैसा कमा के रहे हो, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये फॉरेन इनकम है. हम इसको अलग से ट्रीट करेंगे. इस चैप्टर में आपने किसके बारे में बात करनी है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है. बात पहले कहते मैम, चैप्टर का नाम क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन. बाहर से आया हुआ पैसा कंट्रीब्यूशन के तौर पर. आगे देखना ब्रैकेट में इसने क्या लगाया, फिर आपने कहा कि सर हमने ना इसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन वर्ड यूज किया. रेगुलेशन वर्ड का मतलब क्या है, इससे पता पड़ेगा कि 1976 और 2010 में क्या फर्क आया. आपने कहा अच्छा सर एक सिर्फ पहले एक बात बताओ रेगुलेशन वर्ड से पहले, कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप रेगुलेशन एक्ट की बात कर रहे हो, तो ये आया किन के लिए. दो सबसे ज्यादा इसके आने का रीजन था पॉलिटिकल पार्टीज. मतलब अगर आप ये फिक्रा पढ़ रहे हो चाहे 1976 या 2010, इसका काम ही पॉलिटिशियंस से रिलेटेड है. इलेक्शंस के टाइम पे तुम लोग बाहर के नाम पे पैसा लेके आओगे कि बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया हमारी मार्केटिंग के लिए. हमने कहा क्यों बाहर वाले तुम्हारे लिए कर रहे हैं भाई कंट्रीब्यूशन, मतलब रीज़न होगा ना कि भाई मोदी बहुत अच्छे लीडर है, जीत जाएगा, अच्छा लीडर है तो आप क्यों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो. आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले सकती ना पैसे, चलो मंजूर. 1976 में भी यही बात थी कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लेंगी. अब ये होशियार क्या करते थे, ये बोलते ठीक है हम पैसे लेंगे नहीं. अच्छा एक बात बताना, पॉलिटिकल पार्टी पैसा लेगी तो वो पैसा कहाँ उड़ाएगी, फॉर एन एग्जाम्पल आपके शब्द इलेक्शन में कहाँ उड़ाएगी. मोदी जी का मैक्सिमम खर्चा कहाँ होता है देश में, एडवर्टीजमेंट. ठीक है हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो हमारे लिए एडवर्टीजमेंट करता है उसको तो दे दो. चलो हम नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर वालों को तो दे दो जो हमारे बारे में बड़े बड़े इश्तेहार देंगे. चलो हमको मत दो, हमारी म्यूनिसिपैलिटी वालों को तो दे दो. हमने कहा बेटा कोई भी इंसान कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर जो किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, कभी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर पैसे नहीं ले सकता.
मतलब हम बाहर वालों का पैसा तुमको नहीं मिलने देंगे, क्योंकि हमको पता है तुम क्या करोगे, तुम पहले बाहर वालों से पैसा लोगे, फिर बाहर वाली कंपनियों को अप्रूवल देना चालू करोगे ऑब्लिगेशन में कि तुम यहाँ पे आ जाना, फिर तुम बिजनेस करना, तुम हमारी इंडियन इकोनॉमी की सत्यानाश कर दोगे पूरे के पूरे। आपने कहा सर इकोनॉमी की सत्यानाश कैसे हो रही, कोई बाहर से आ भी गया तो? दोस्त सोच के देखना, एक जियो मोबाइल आने की वजह से ना तुम्हारी टेलीकॉम इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। वोडाफोन आइडिया 50,000 करोड़ का लॉस बुक कर रहा है। एयरटेल लास्ट प्रॉफिट से अभी 12% के लॉसेस बुक कर रहा है। कोई भी उठा लो, रिलायंस कॉम लॉसेस, हर कोई लॉसेस में, हर कोई लॉसेस में। हमने कहा जब हमारे देश में खाली जो है ना जो फेयर कंपटीशन चल रहा था, जहाँ पे 1% डोमिनेंट पोजीशन पे आया ना, उसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की मदर सिस्टर ऑल टुगेदर कर दी। तो सोच के देखो कि बाहर के लोगों को तुम ऐसे आलतू फालतू हेन तेन में अलाउ करोगे ऑब्लिगेशन की वजह से, कितनी बड़ी दिक्कत है। और चलो नहीं भी करो, तुम बहुत बड़े ईमानदार हो तो बाहर का पैसा क्यों चाहिए तुम्हें तुम्हारे पॉलिटिकल एजेंडा के लिए? देश में टैक्स ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, बाहर से पैसे आने की जरूरत नहीं। श्योर ना? इसी को अपन कहते हैं इलेक्शंस बाय फेयर मींस। बाहर का पैसा क्यों? अच्छा आज जाहिर सी बात है, अगर आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करवा दो एडवर्टीजमेंट के मामले में, कौन जीतना है? बीजेपी अनडाउटेडली। अरे जहां हाथ लगाएगा ना बाहर से उतना पैसा आएगा, जितना बोलोगे उतना पैसा आएगा, कांग्रेस को कोई नहीं देगा पैसे। अपन ने कहा था जब अगर बीजेपी जीत गई तो मार्केट उठ जाएगा, पर बीजेपी नहीं जीती तो मार्केट वापस टूट जाएगा। क्यों बोला था? पैसा है यार बाजार में उसके नाम पे, कि भाई बीजेपी आती है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाती है, बीजेपी आती है तो काम करवाती है, बीजेपी आती है तो भाई एक बार के लिए कॉर्पोरेट्स को एंट्रीज मिलती है, मेक इन इंडिया कंसेप्ट लेके आ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रही है, देश का डेवलपमेंट है। ऐसा आउटसाइडर्स की नज़रों में इंडिया का एक ऐसा इमेज सेट हो रहा है। उसी हिसाब से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ने क्या बोला, 1976 है ना, बड़ा ही यू नो लाइट एक्ट था। पहले आप कहते थे हमारे पास फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर हम फेमा लाए। क्यों? क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थे, लोग यहाँ पे पैसा ला नहीं पा रहे थे, तो हम लाए फेमा कि थोड़ा मैनेजमेंट करो, आने दो पैसा, आने दो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो फेरा से फेमा क्यों आए थे? क्योंकि अपने को रेस्ट्रिक्शन कम करने थे। पर फिक्रा 1976 से 2010 में तुम इसलिए गए क्योंकि तुमको रेस्ट्रिक्शन और स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज बढ़ानी थी। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट समझा? यही ऑब्जेक्ट के ऊपर इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। हु कैन एक्सेप्ट, हाउ मच कैन एक्सपेक्ट, कौन कौन इन पैसों को यूज कर सकता है, कौन अलाउ नहीं करता, और पेनल्टी। यही होते हैं इस चैप्टर के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने आपको भी ऑब्जेक्ट बताया। सो नाउ आर वी वेल वर्स्ड अबाउट व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 ऑल अबाउट एंड व्हाई इट रिपील्ड 1976 फिक्रा? सर पहले वाला नाम भी यही था, बिल्कुल यही था, कुछ अलग नहीं। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 से कंपनीज एक्ट 2013 आया, वैसे ही फिक्रा 1976 से फिक्रा 2010 आया। श्योर ना? अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 वाज इनएक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। बाहर का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर लाने से पहले हम उसको बताते थे आप कैसे रेगुलेट करोगे, और फॉरन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टन इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन और कंपनीज। सर अभी तो आपने बोला पॉलिटिकल पार्टी, फिर अब यहां पर लिख रहा है सर्टन एसोसिएशन, सर्टन कंपनीज, सर्टन इंडिविजुअल्स। अब आपने सर्टन बात क्यों करी? दोस्त ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम वो इंडिविजुअल हो जो पहले फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ले ले फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को दे दे, तुम वो एसोसिएशन हो जो फॉरेन पार्टीज फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और उसको यूज करें आराम से मार्केटिंग करने के लिए। हमने कहा हम जिन जिन लोगों का नाम अब इस एक्ट के अंदर बताने वाले हैं वो सब डिबार्ड है बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाने से। सर डोनेशन क्या क्या होता है? टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। सेकेंड, टू प्रोहिबिट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन और फॉरन हॉस्पिटैलिटी फॉर एनी एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है मैं नहीं चलूंगा। इंडिया सोवरेन कंट्री है, इंडिया रिच कंट्री है, आपको बाहर से कॉन्ट्रीब्यूशन लाके इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इतने डिपेंडेंट नहीं हो गए, मतलब वहां आना था तो फिर अपने देश का नाम बदल देंगे, पाकिस्तान रखना था, बहुत डेवलप्ड है कि खुद के पैसों से खुद के इलेक्शंस कर सकते हैं, बाहर की जरूरत नहीं है। दो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। इन 2010 फिक्रा रिपील 1976 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2011। फिक्रा इज एन इंटरनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और रीजन ऑफ फिक्रा मैंने अभी भी बताया, मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट लाने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, एसोसिएशन वर्ड यूज कर रहे हो, आपने बोला एसोसिएशन, फिक्रा के अंदर एसोसिएशन का मतलब क्या होगा? इसने बोला भाई मेरे हिसाब से एसोसिएशन मतलब आईटी एक्ट में जैसा तुमने बोला था ना हर कोई, वैसे ही गिन लेना तुम तो। बस थोड़े से एक्सक्लूजन्स बता रहा हूँ, थोड़े से इंक्लूजन अलग से बता रहा हूँ। अच्छा, एसोसिएशन मीन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुए हो ना हुए हो, मतलब आप कंपनी फॉर्म में हो, पार्टनरशिप फॉर्म में हो, किसी भी और तरीके के फॉर्म में हो, आप सब एसोसिएशन हो मान ले। हैविंग एन ऑफिस इन इंडिया एंड इंक्लूड्स अ सोसाइटी, इसने अपने अंदर किसको इंक्लूड किया? सोसाइटी को भी इंक्लूड किया एज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। एकदम ठीक,
एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. सब कुछ एसोसिएशन है, आपने एसोसिएशन वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है. सेकेंड, फॉरेन कंपनी. बेटा फॉरेन कंपनी यहाँ पे अपने को एज पर कंपनीज एक्ट 1956 लेनी है. सर दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ उसने बोला कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से फॉरेन कंपनी क्या होती है. ठीक है, एकदम जल्दी बता दो फॉरेन कंपनी क्या होती है. इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. अच्छा, क्या एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी एक फॉरेन कंपनी है? सर होगी ना, मल्टीपल कंट्रीज में, आपके यहां पे भी आई है, फॉरेन कंपनी है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी. क्या एक फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी तुम्हारे देश में है, वो भी फॉरेन कंपनी है? इस डेफिनेशन में अपन ने देखना है क्या क्या चीजें फॉरेन कंपनी कहलाती है. वेस्ट ऑफ टाइम, जल्दी करेंगे. फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड्स. अच्छा, इसमें प्लीज यहां पे आपने लिखना है एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. चल देते हैं. फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 591 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. यू नो व्हाई वी आर यूजिंग 1956, क्योंकि आज भी एक्ट 1956 पे रिलेट करता है. कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी. द रजिस्टर्ड ऑफिस और द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज समवेयर आउटसाइड इंडिया. अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, नोट, अ कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री और टेरिटरी शैल बी डीम्ड टू बी अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इफ सच कॉर्पोरेशन. अच्छा बेटा, MNC का मतलब क्या होता है? दो या फिर दो से ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो कंपनी होती है उसको आप क्या बुलाते हो? मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन. मल्टी नेशन के अंदर आ रही है. अ कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेट इन अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी शैल बी डीम टू बी अ MNC इफ सच कॉर्पोरेशन हैज अ सब्सिडरी और ब्रांच और अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन टू और मोर कंट्रीज और टेरिटरीज. लॉजिक समझ में आया? टू क्यों बोला बने? इट्स अ मल्टी नेशनल थिंग एंड कैरीज ऑन बिजनेस और अदरवाइज ऑपरेट्स इन टू और मोर कंट्रीज और टेरिटरीज. Since the amendment in FCRA Act has not been made after the Companies Act 2013, accordingly the reference is given to the 1956 Act. Sure enough, simple. In other words, if a company registered outside India and does business in India, either by way of having a subsidiary, a branch, a license, अच्छा, what is the license office? जल्दी जल्दी जल्दी, what's the license office? मीडिएटर, मतलब एक कम्युनिकेशन ऑफिस बोल लूं. लाइजन इज विच क्रिएट्स कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड इंडियंस. खत्म लाइजन ऑफिस. प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंपनी. सिंपल, कोई दिक्कत नहीं. आ जाओ. अच्छा बेटा, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बस इतना ही लिखना है नेक्स्ट वाले पेज पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. चलो बालिकाओं, नेक्स्ट अप है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? एनीवन, जो बाहर से है. अच्छा, मैंने बाहर एक प्रोफेशनल सर्विस दी जिसकी वजह से मेरे को फीस मिली, इज इट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन? नो. क्यों? दैट्स फॉरेन इनकम, नॉट कॉन्ट्रीब्यूशन. Foreign contribution means the donation, the delivery or transfer made by any foreign source. अब बात समझना, foreign contribution सिर्फ और सिर्फ foreign money पे नहीं टिका है. Can be donation or can be delivery or transfer made by any foreign source of any article, not being an article given to a person as a gift for his personal use. आपके personal use के लिए आपको बाहर से कुछ gift आया ना, हम उसको नहीं मानते. If the market value in India of such article on the date of such gift is not more than the sum specified. अच्छा, आपको मैंने personal use के लिए कोई gift दिया है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, foreign contribution नहीं है. पर अगर उस gift की value जितना मेरा act specify कर रहा है, जो time से time बदलता रहता है, अगर उसके अंदर का gift है ना, तो उसको gift ही मानना, contribution मत मानना. पर अगर वो gift specified amount से ऊपर है, तो फिर तू भी क्या कहलाएगा? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाएगा. सर अभी का तो स्पेसिफाइड बता दो कितना अमाउंट है? 25,000. अभी का स्पेसिफाइड अमाउंट कितना है? 25,000. पर सर हमेशा ही रहेगा? जरूरी नहीं है, कभी भी अमेंडमेंट आते हैं इसके अंदर. ठीक, एज ऑफ नाउ दिस स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ मनी इज 25,000 रुपीज. श्योर इनफ, लेट्स गो अहेड. ऑफ एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन. ऑफ एनी सिक्योरिटी एज डिफाइंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. तो देखो,
बाहर से कोई आर्टिकल आया, बाहर से कोई करेंसी आई, बाहर से कोई भी तरीके की सिक्योरिटीज आई हैं आपके लिए, ये सब क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। मतलब फर्क नहीं पड़ता, खाली पैसा, हम जानते हैं कि तुम कहां कहां हमको चिपका सकते हो। पहले 1976 वाला सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता था, एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसने कभी समझाया नहीं। इन लोगों ने 2010 वाले एक्ट में हर चीज बता दी कि तू गिफ्ट बोल, तू शेयर्स बोल, तू पैसा बोल, तू करेंसी बोल। अच्छा एक और मस्त तरीका, आपने कहा सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, मतलब फॉरेन करेंसी नहीं चाहिए ना, फॉरेन करेंसी वाला इधर आएगा, इंडिया की करेंसी में एक्सचेंज रहेगा, इंडियन मनी दे देता हूँ, तो अब तो मैं फिक्र में ही नहीं आया। हमने कहा हमको पता था तू ऐसी औकात दिखाएगा, करेंसी विच माइट बी इवन इंडियन करेंसी, उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में डील करना है। फर्क नहीं पड़ता तूने इंडियन पैसा ही दिया है, हमें पता है कि तुम सब ऐसे लूपहोल्स निकालोगे। कोई भी करेंसी हो इज फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन सोर्स से आ रही है तो, चाहे तू इंडियन रुपीज ही क्यों नहीं भेज रहा। श्योर इनफ, नोट, अ डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी रिसीव बाय एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड इट फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर पर्सन। देखो डायरेक्टली बीजेपी को कोई पैसे दे रहा है या फिर कोई उसके और पर्सन को दे रहा है जो ये पैसा बीजेपी तक पहुंचाएगा, क्या वो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा? यस, शैल ऑल्सो बी डीम टू बी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। बोलो, सो फार सो गुड, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा आप मेरे को एक चीज समझाना, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है कितने का है? 10 करोड़ का है। इसके ऊपर ब्याज जुड़ के 1 करोड़ और मिला मुझे, ठीक है? इसके ऊपर ब्याज इंटरेस्ट कितना है? 1 करोड़। ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है? द इंटरेस्ट ओवर द कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और नॉट? आपने कहा दैट इज गोइंग टू बी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड इन एनी बैंक और एनी अदर इनकम डिराइव फ्रॉम द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन शैल ऑल्सो बी डीम टू बी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। याद रहेगी ये बात? अच्छा, सो फार सो गुड, कुछ टफ तो नहीं लग रहा चैप्टर के अंदर? वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट चैप्टर बचे, कुछ भी नहीं। एनी अमाउंट रिसीव बाय एनी पर्सन फ्रॉम, अच्छा ये रिपीट है, बिल्कुल रिपीट है, फ्रॉम एनी सोर्स इज इंडिया बाय वे ऑफ फी। अच्छा एक सेकेंड, फीस मिली है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है? सर फीस नहीं होता कॉन्ट्रीब्यूशन। इंक्लूडिंग फीस चार्ज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट और टूवर्ड कॉस्ट इन ल्यू ऑफ गुड्स। मैंने कोई गुड्स बाहर बेचे थे, मेरे को उसके पैसे आए। मैंने कोई सर्विस बाहर दी थी, उसके पैसे आए। और सर्विस रेंडर्ड बाय सच पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और एनी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स टूवर्ड सच फीस और कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। लॉजिक क्लियर है? क्योंकि बच्चे फॉरेन इनकम है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपको डायरेक्ट पैसा मिला, आपके एजेंट को पैसा मिले, आपको गुड्स भेजने की वजह से पैसा मिला, आपको कोई सर्विस देने की वजह से पैसा मिला, इसमें आपने कुछ किया है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का काम है। फेमा बताएगा आपको, LR स्कीम बताएगी कि आप कितना पैसा बाहर ले जा सकते हो, मैंने बीच में नहीं आना। फिक्रा का काम सिर्फ और सिर्फ कितना है? कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करना। और मेरे लिए कोई भी तरीके की फीस जिसके लिए आपने गुड्स सर्विसेज कुछ ना कुछ दिया हो, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। श्योर ना? पक्का। नेक्स्ट अप, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या बताया था अभी अभी आपको? बाहर की कोई सेवा जो आपको मिल रही है। अच्छा ना, इसका डायरेक्ट पहले एग्जांपल रीड करो ताकि आपको समझ में आए। एयर टिकट्स, 5-star अकोमोडेशन। अच्छा 5-star इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है? 3-star भी होना, दैट इज ऑल्सो हॉस्पिटैलिटी। सो जस्ट टू वे ऑफ एग्जैक्टली, प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय अ फॉरेन कंपनी टू द गवर्नमेंट। डिड यू सी व्हाट दे यूज्ड टू द गवर्नमेंट? अब ये गवर्नमेंट के ऊपर, अब ये चैप्टर धीरे धीरे आपको गवर्नमेंट की तरफ लेके जाने वाला है। अब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पढ़ो, मीन्स एनी ऑफर नॉट बीइंग अ कैजुअल वन, एनी ऑफर नॉट बीइंग अ कैजुअल वन, मेड इन कैश और काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स, प्रोवाइडिंग विद द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, और विद फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट। हमने कहा ये सब क्या आ रहा है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में। क्या हॉस्पिटैलिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रीब्यूशन? यस, ठीक है एकदम। हॉस्पिटल, सोनिया गांधी इज नॉट कीपिंग वेल, शी गोज आउटसाइड फॉर ट्रीटमेंट, ट्रंप बुक्स हर फ्लाइट, ट्रंप्स बुक हर स्टे, ट्रंप्स टेल हर दैट आई एम गोइंग टू गेट यू ट्रीटेड। क्यों भाई? तेरी माँ लगे, वो अपने काम से आ रही है, अपने आप ट्रीटमेंट कराएगी, तू क्यों कर रहा है? उसने देश का इतना पैसा मतलब संभाल के रखा है अपने पास, आराम से ट्रीटमेंट करवा सकती है, आपको करवाने की क्या जरूरत है? आप करवा रहे हो मतलब आपका इस गवर्नमेंट में कोई इंटरेस्ट है? यहाँ तक की बात सही है? अच्छा अब आता है ना द वर्ड फॉरेन सोर्स।
ये पूरे केस में, ये जो इतना बड़ा लिखा है ना, इस पूरे केस में फॉरेन सोर्स का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो बाहर से पैसा मेरे देश में ला रहा है। इसका अल्टीमेट क्रक्स सिर्फ एक ही लाइन है, सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक बार 2010 या 11 के पेपर में पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन सोर्स अंडर फिकरा, सिर्फ इसीलिए अपन ने इसको कवर किया है। बाकी आज के टाइम में इतने सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे खाबो ख्यालों में मत सोच लेना तुम लोग। मतलब वो एक द बैक देन टाइम था कि जहाँ पे पेपर सिंपल हुआ करता था बीसीएल का, उस टाइम की बात है। तो ये सिर्फ समझने के लिए, पर समझाने का क्रक्स में तुमको एक ही बता रहा हूँ, फॉरेन सोर्स का मतलब होता है जहाँ देश के बाहर से पैसा आ रहा है। सर देश के बाहर कोई इंडियन रहता है वो भी पैसा भेजे तो फॉरेन सोर्स, क्योंकि अब वो मेरे देश के बाहर रहता है, अब वो मेरे देश का हिस्सा नहीं है, और वो कोई फीस नहीं भर रहा है, वो किसी इंसान को यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब वो क्या कहलाएगा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। श्योर इनफ, लेट्स डू दिस। द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी एंड एनी एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट इज वॉट अ फॉरेन सोर्स, एनी इंटरनेशनल एजेंसी। अच्छा एक सेकेंड, सिर्फ एक एजेंसी को कभी अपन ने इंक्लूड नहीं किया, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस, बाकी सब कहीं से ही पैसा आया ना फिकरा के अंदर आएगा। सर यूनाइटेड नेशन क्यों? अबे वो पूरे देश का संग्रह, पूरे दुनिया का संग्रहालय है वो एक जगह पे। यूनाइटेड नेशंस अगर तुमको कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना, तो तुमको तुम्हारी पार्टी जिताने के लिए नहीं देगा, वो दे रहा है कि तुम कोई सिस्टमिक रिस्क के अंदर आ गए हो, तुम्हारे देश के अंदर कोई कोलैप्स हो रहा है, तुम्हारे देश के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तभी यूएन पैसा देगा। एकदम ठीक है। एनी इंटरनेशनल एजेंसी नॉट बीइंग द यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड बैंक, अच्छा यूएन का क्रिएशन है सब, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यूएन, ये सब यूएन के पार्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, यूएन, ये सब ऑफिशियल रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड, ये सब वर्ल्ड को रेगुलेट करते हैं, इनकी नहीं गिनने अपन ने, इनसे मस्ती मत करना। और एनी सच एजेंसी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो बच्चे क्या चीज फॉरेन सोर्स में नहीं आ रहा? यूएन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इस एक्ट के अंदर फ्यूचर में किसी और को नोटिफाई किया एज नॉट कमिंग अंडर फॉरेन सोर्स, बाकी सब कुछ फॉरेन सोर्स है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, एनी फॉरेन कंपनी गिविंग यू मनी, एनी फॉरेन कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेट इन अ फॉरेन कंट्री, एनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अच्छा अभी देखो, अभी तक कितनी कितनी चीजें आ गई, हमने बोला कोई बाहर की गवर्नमेंट, हमने बोला कोई बाहर की एजेंसी, कोई बाहर की कंपनी, कोई बाहर की कॉरपोरेशन, कोई बाहर की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये सब क्या है? फॉरेन सोर्स है। सिंपल है, कुछ डाउट तो नहीं? क्या क्या चीजें आ गई बच्चे फॉरेन कॉरपोरेशन के अंदर? पहला बाहर की गवर्नमेंट, सेकेंड बाहर की एजेंसी, थर्ड फॉरेन कंपनी, फोर्थ फॉरेन कॉरपोरेशन, फिफ्थ कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। याद रहेगा, एक बार तुम बोल दो जल्दी से, फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट, सेकेंड एजेंसी, थर्ड फोर्थ कॉरपोरेशन, फिफ्थ एमएनसी। बेटा एजेंसी में कौन सी एजेंसीज इंक्लूडेड नहीं है? यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको स्पेसिफाई कर दे। बेटा वर्ल्ड बैंक मतलब जैसे आरबीआई बैंकर्स बैंक होता है ना, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड का बैंक है, तो मतलब आपको पैसे नहीं देगा कभी। अच्छा मतलब, अच्छा वर्ल्ड बैंक कभी भी आपको ऐसे डायरेक्ट पैसे नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक। हाँ तो यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया ना, तो नहीं, बात समझो, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब हो गया ना, ये सारी कंट्रीज का एक मर्जर है एक जगह पे, जो पूरे पूरे खाली एक स्टेट को नहीं, एक कंट्री को नहीं, पूरे वर्ल्ड को पैसा देते हैं। और सिर्फ कब देते हैं? जब कोई सिस्टमिक रिस्क होता है, जब कोई कोलैप्स के चांसेस होते हैं, जब किसी देश के ऊपर कोई एक्सटर्नल थ्रेट है और देश रिवाइव करना चाहता है, तब पैसा दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आप कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मानते। हम फिक्रा क्यों बना रहे थे कि अपने पॉलिटिशियंस पैसा ला के, कहीं ऐसा ना हो कि खुद की मार्केटिंग करें, आज मोदी को ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि सर ये ना फ्री कंटेस्ट इलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमने चाहिए कि ब्रेडली अच्छा काम करता है तो वो नेता बने, मैं अच्छा काम करता हूँ मैं नेता बनूँ, आप अच्छा काम करते हो आप नेता बनो। पर अगर मेरे पास विकास वोरा एक बाहर का बंदा है जो पैसे दिए जा रहा है और मैं खुद की मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत अनड्यू इन्फ्लुएंस है आप सब लोगों के ऊपर जो फ्री कंटेस्ट कर रहे थे। तो हमने बोला फिकरा क्या कह रहा है, चिराग तू भी कंटेस्ट कर, वो भी कंटेस्ट करेगा, वो भी कंटेस्ट करेगा, बाहर का पैसा क्यों चाहिए, तुम खुद के दम पे करो ना। ये बात थी बच्चा, वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मॉनिटरी थोड़ी है, WHO। हाउ वुड दे कॉन्ट्रीब्यूट, उनका तो ऑब्जेक्टिव ही ना कॉन्ट्रीब्यूट करने का। WHO is not in the form of a company. How will you take it in the purview of this? Okay, it's an अच्छा, if that organization gives you money, it's coming under foreign contribution. You cannot give it. मतलब आपको अलाउड नहीं है।
सिर्फ इन लोगों ने अगर आपको पैसा दिया तो अलाउड है, मतलब मैं आपको अदर वे राउंड बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक, IMF और साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस, अगर इन्होंने आपको कभी पैसा दिया ना तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर FCRA। इसको छोड़ के अगर फॉरेन के एक भिखारी ने भी तुम्हें पैसे दिए कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अभी तक दो चीज़ें जो आपके हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये वाला UN, वर्ल्ड बैंक, IMF का पैसा, और सेकेंड कौन सा, फीस और प्राइस पेड फॉर एनी सर्विस और गुड्स, दो चीज़ें याद रहेगा, कोई फीस मिली, कोई सर्विस मिली, कोई फीस या फिर कोई गुड्स के लिए पैसा मिला और सेकेंड चीज़ कौन सी, UN, IMF और वर्ल्ड बैंक, श्योर। चलो जल्दी चलो, अब है ना ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, सिर्फ फॉरेन गवर्नमेंट कंपनी को बताने के लिए, अ कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट एंड मोर देन 50 कर देना उसको, ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड, मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड आइदर सिंगली और इन एग्रीगेट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, बाहर की गवर्नमेंट ने, बाहर के सिटीजन्स ने, बाहर की कॉरपोरेशन ने, बाहर के किसी ट्रस्ट ने, या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ने, सही बात है बच्चा, जिस कंपनी को जहाँ के लोग होल्ड कर रहे हैं वो कंपनी वहीं की कहला जाती है, ये तो आपने कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा। अ ट्रेड यूनियन इन एनी फॉरेन कंट्री वेदर और नॉट रजिस्टर्ड इन सच फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, बाहर की ट्रेड यूनियन को भी तुमने फॉरेन सोर्स माना है। अ फॉरेन ट्रस्ट और फॉरेन फाउंडेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड और सच ट्रस्ट और फाउंडेशन मेनली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंट्री, हर चीज, अ सोसाइटी, अ क्लब, बेटा क्लब नेहा, ये क्लब कौन सा है, क्लब का मतलब क्या होता है बता बता मेरे को जानना है, हाँ हाँ बोल, नहीं नहीं बोल दे क्लब क्या होता है, मतलब तेरे हिसाब से क्लब क्या होता है बता देना मुझे, वैसी नो ब्रैडली क्लब क्या है सर, पुणे में तो तीन चार ही अच्छे हैं, बोल ऐसा कुछ, ये क्लब्स इन द फॉर्म ऑफ NPO लोग साथ में है ना, फॉर बेटरमेंट ऑफ समथिंग, दिस इज अ क्लब एंड वो वाला नहीं, अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री, मतलब एनी वन कम्स अंडर फॉरेन सोर्स एक्सेप्ट फीस पेड, गुड्स पेड, थर्ड बाहर की UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सबको छोड़ के सब कुछ आ रहा है, कंपनी, कॉरपोरेशन, MNC, कोई कंपनी, कॉरपोरेशन, MNC जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने, फॉरेन सिटीजन ने, फॉरेन MNC ने, फॉरेन कंपनी ने होल्ड कर रखा है, ये सब हमारे यहाँ पे आने वाले, ट्रस्ट, सोसाइटी, सब फॉरेन सोर्स कहलाते हैं, मतलब इनमें से किसी ने भी पैसा दिया तो हम उसको क्या कहेंगे, पैसा कहाँ से आया, फॉरेन सोर्स से, आर वी क्लियर विद व्हाट इज फॉरेन सोर्स, आय हाय हाय, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, यस ब्रैडली कोई डाउट है, समझाने में, नहीं नहीं ऐसे नहीं था, मतलब आप जब अपने होम अफेयर्स की बात करते हो ना तो आप एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हो, जिसके अंदर आप कोई भी अमेंडमेंट करते हो ना तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्रपोज करना पड़ता है, आप ऐसे अमेंडमेंट नहीं ला सकते। सो अगेन देख, अपन ने जीवन में एक चीज़ तो फिक्स ही पड़ी है कि लेजिस्लेचर का काम कभी कभार एग्जीक्यूटिव करता ही है, अपन लोग लेजिस्लेशन में मिक्स करते हैं, तो मतलब जो तेरा डाउट है ना वो जेन्युइनली सही है कि सर मतलब जिनको पैसा मिलने वाला है वही रेगुलेट कर रहे हैं, पर होगा क्या इन लोगों ने इसके अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन किया तो आप सिर्फ खुद को पावर नहीं दोगे, आप दूसरों को भी पावर दे दोगे, और जैसे ही कोई अब्यूज़ होगा तो वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर आएगा। तो इसीलिए इसमें जब अपन बात करते हैं ना कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है फिक्रा की, तो इसको भी देख कहाँ लाए थे, इंटरनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसने क्या बोला था कि अभी एक्ट बन गया, इसके अंदर मैंने अथॉरिटीज़ बनाई है जो पहले अमेंडमेंट प्रपोज करेंगी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको अप्रूव करेगी, हटाएगी, अगर आपको कोई नीड लगती है तो आप प्रपोज करोगे, यहाँ की अथॉरिटी उसको सिग्निफाई करेगी कि ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत है कि नहीं है, फिर उसको अप्रूव करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुमको याद है क्या मैंने आप लोगों को ना जय जेल में एक बात बताई थी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रह नहीं पाती थी, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ आपकी गवर्नमेंट के बंदे होते थे जो नॉमिनेट करते थे जज का नाम, हमने बोला कहाँ ईमानदारी है यार, गवर्नमेंट का बंदा जज बना रहा है। फिर अपन लोगों ने पूरा उसको रिस्ट्रक्चर किया, हमने कहा प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करेगा, पर कौन जज बन सकते हैं ना, वो वापस से एक NPAT अलग अथॉरिटी बनाई, जिसको हमने बोला कि ये नॉमिनेट करेंगे नाम और इन्हीं में से तू किसी को जज बनाएगा, बस तेरा पावर कहाँ है, इनमें से जज बनाने का, अपनी होशियारी नहीं मारनी, ये बताएंगे तेरे को कौन क्वालिफाइड है, ये बताएंगे तेरे को कौन डिजर्विंग है, इनके कहने पर तू बस अपॉइंट कर। तो अपन ने दोनों का मान रख लिया, वैसे इस एक्ट के अंदर भी सेम वैसे ही चलता है। कमिंग बैक, कहाँ पहुँच गए थे अपन, नेक्स्ट
कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया था, हॉस्पिटैलिटी हो गया था, पॉलिटिकल पार्टी, हाँ जी पॉलिटिकल पार्टी मतलब इट्स जो, हाँ जी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी अच्छा अपन एक काम करते हैं, पहले इस चीज़ को, पहले फॉरेन इंडिविजुअल की बात कर रहे हो आप, एक चीज़ मैं आपका खाली एग्जांपल सिंप्लीफाइड रखूँ क्योंकि हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन अलग निकलेगा। आप बाहर की कंपनी की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, किसकी बात करना चाह रहे हो? इंडिविजुअल, एक फॉरेन इंडिविजुअल है, बहुत बढ़िया, इंडियन है और वहाँ पे जाता है, वहाँ का रेसिडेंट है, सिटीजनशिप की बात नहीं करते, अपने लिए फॉरेनर है, एनआरआई मतलब फॉरेनर है अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, वहाँ पे रेसिडेंट है वो, बहुत बढ़िया, इसे बेटा रेमिटेंस कहते हैं फेमा। और आपको हमने कहा फैमिली के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने क्या बोला, हमने बोला एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर विद एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फिकरा का ऑब्जेक्ट ही क्या था, रेमिटेंस है, फेमा बिल्कुल अलाउ करते हैं, आप करो रेमिट, आपका पैसा आपका परिवार, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन मानना ही नहीं कभी, इसीलिए आप नेक्स्ट वर्ड पढ़ रहे हो पॉलिटिकल पार्टी। एक बार देखिए अच्छा पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रिलेटेड हो, खत्म बात, इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। श्योर, कुछ डाउट तो नहीं? विच हैज सेट अप कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेशन बट इज नॉट सो रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन ऑर्डर 1968। कुल मिला के आपने, अच्छा इसको छोड़ दो, आप तो इधर हटा दो, आप सिर्फ यहीं तक ध्यान देना, आगे वाले लाइन का मतलब क्या आगे बताता हूँ, इसको अभी नहीं करना अपन ने। अ पार्टी मैंशनड इन कॉलम टू ऑफ टेबल वन ऑफ टेबल टू ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन, जो ऊपर लिखा है ना वो इधर लिखा हुआ है, ईसी कमीशन में किस एक्ट में कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो अगेन इसको भी आप बिल्कुल छोड़ दो, ठीक आगे बढ़ने का अपने को। नोट, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूड हेयर इन आर नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और फेमा 1999 शैल हैव द मीनिंग्स रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दोज एक्ट। कुछ नहीं पढ़ना आगे। अच्छा बेटा लेजिस्लेचर का मतलब तुमको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ाया है, लेजिस्लेचर मीन्स आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस दोनों के दोनों लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट मतलब स्टेट का भी हाउस, और इन केस ऑफ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर भी लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लिए भी जो अपनी असेंबली है। म्यूनिसिपैलिटी एज पर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पी हटा देना, नहीं पी रहे रहने देना, 243P ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एज इन द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा इसने लेजिस्लेचर को क्या किया, जहां जहां पे गवर्नमेंट के हाउसेस बैठते हैं उन सबको लेजिस्लेचर बोला। पहला बोला आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा राज्यसभा, फिर बोला हर स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, फिर इसने कहा हर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, फिर इसने आगे बोला दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है उसके अंदर जो असेंबली बनती है, कोई म्यूनिसिपैलिटी या फिर कोई इवन, देखना अपन लोग अपन जब बात करते हैं ना, अगर आपको याद हो ये डायलॉग, कभी मैं इसके ऊपर एक बार सेपरेट बात करूंगा, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स व्हिच आई वुड एवर लाइक टू टॉक अबाउट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन सब की बात करूंगा। आप देखना जब है ना अपन इधर झगड़े कर रहे थे ना कि कश्मीर हमको दे दो ऐसा कर दो, तो ओएसी ने बोला था कि लगाओ असम में ऐसा करके दिखाओ, जाओ मिजोरम में ऐसा करके दिखाओ, ये सब करके दिखाओ, ये करो वो करो, आप हैदराबाद में चले जाओ, तो काफ़ी मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो इन सब के भी लेजिस्लेचर को पहले के टाइम पे बहुत डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन माने जाते थे, तो आज तक एक्ट उनको अलग से बोलता है कि वहाँ का भी कोई लेजिस्लेटिव हाउस है ना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर पॉलिटिकल पार्टी, आई एम सॉरी लेजिस्लेचर, श्योर इनफ। अच्छा तो अगर, अच्छा ये भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, अभी तक सिर्फ अपन ने एक्ट का मतलब, बस ये लास्ट पर्सन की डेफिनेशन पढ़नी है, यहाँ तक ही इस चैप्टर का खेल था, अब थ्योरी थ्योरी है बस, समझने की बात है, आप ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हो। अच्छा बेटा लेजिस्लेचर का मतलब क्या, पहला आइदर हाउस ऑफ आर पार्लियामेंट, सेकेंड स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, म्यूनिसिपैलिटी, कोई रीजनल काउंसिल्स ऑफ असम, मिजोरम, त्रिपुरा, याद रहेगा बस बहुत है। पर्सन का मतलब सर अभी अभी आपने ऊपर बताया था, एनी इंडिविजुअल एच यू एफ एसोसिएशन और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। अब देखो सबसे पहला एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है आपके सामने,
क्या कह रहा है ये? प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस. दिस एक्ट इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट. अच्छा बेटा ना, खाली पहली लाइन समझाऊंगा, बाकी सब आपके लिए केक वॉक है. खाली ये पहली लाइन समझनी है आपको, समझना. दिस एक्ट इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कैंडिडेट. पहली चीज, पहली लाइन में एक वर्ड है, कोई भी कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है? फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए पैसा नहीं लेगा. कॉरेस्पॉन्डेंट, इलेक्शन से जुड़े कामों के लिए. कॉलमनिस्ट और कार्टूनिस्ट, आप देखते हो ना न्यूज़पेपर ऐड वैड आते हैं कि ये देश बर्बाद हो रहा है और यहाँ से बीजेपी आ रही है, ओ माय गॉड देश आबाद हो गया, और अपन अलग से एक पिक्चर देखने लग जाते हैं. मार्केटिंग. कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, कोई मीडिया कंपनी, कोई ओनर और एनी प्रिंटर और पब्लिशर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्लीज यहाँ पे गेम्स ये हटा दीजिएगा, और एम्प्लॉयज ऑफ एनी कॉरपोरेशन ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर. बात समझ आई? दिस एक्ट हैज रेस्ट्रिक्टेड एक्सेप्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स बाय कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, या फिर उसी के लिए कोई करस्पॉन्डेंट, या उसी के लिए कोई कॉलमनिस्ट, कोई कार्टूनिस्ट, कोई एडिटर, कोई मीडिया कंपनी, ओनर ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स, एनी प्रिंटर और पब्लिशर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ, अच्छा ऑफ सॉरी एम्प्लॉय ऑफ होम, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन, एंड दैट कॉरपोरेशन इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. सेंट्रल नहीं लिखा है, खाली गवर्नमेंट लिखा है. मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब आप सबको बताए, दैट लेजिस्लेचर मीन्स वॉट, एनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर. श्योर इनफ? पहली बात, पहली पॉइंट समझ में आई? इधर से लेके एंड तक हर चीज इसी के ऊपर रिवॉल्व करेगी. हाँ जी, नहीं दे आर नॉट अलाउड. आपने पर इन लोगों का नाम भी बताना है, कौन कौन नहीं कर सकते, कॉलमनिस्ट, मीडिया काउंसलिंग, ये सब बताना है आपने. ऐसे छोड़ मत देना इस चीज को, ऐसा मत बोलना एनी एसोसिएटेड पर्सन, भरोसा नहीं है तुम्हारा. फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर. एंटरिंग द सेकेंड पॉइंट, नो सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, जो आपने अभी जस्ट दोस्त बात करी थी, मैंने कहा था भारत का रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट फर्क नहीं पड़ता, तू यहां कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्वेश्चन खत्म हो गया. शैल एक्सेप्ट, कोई मेरे भारत का, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट और अक्वायर और अग्री टू अक्वायर एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. आप सबको पता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? और एनी करेंसी, इंडियन करेंसी भी चलेगी? बिल्कुल चलेगी. फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स का मतलब पता है? ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. लॉजिक ऑलरेडी क्लियर है. पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे कोई इंडिविजुअल जो मेरे भारत के अंदर चाहे रेसिडेंट हो चाहे ना हो, पैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. थर्ड, अब देखो इसका ऑटोमेटिक लॉजिक बनना चाहिए आपके अंदर. नो पर्सन वेदर इंडियन और फॉरनर, जो मेरे भारत में रेसिडेंट है आज, फर्क ही नहीं पड़ता तू कहां का है, मतलब नेशनैलिटी एंड रेसिडेंटशिप इज नो क्वेश्चन. ऊपर वाले पॉइंट में इसने बात करी नो सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसमें नो पर्सन वेदर इंडियन और फॉरन शैल डिलीवर एनी करेंसी टू एनी पर्सन इफ ही नोज दैट सच अदर पर्सन इंटेंड्स टू डिलीवर सच करेंसी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन. समझे इस पॉइंट का मतलब? ब्रैडली की पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उसका एजेंट हूँ. एक्ट ने बोला था कि मैं तो ब्रैडली के लिए पैसे नहीं ले सकता. पैसे अब कौन ले रहा है? परम. परम कुछ भी किससे कनेक्टेड नहीं है, पर परम ही पैसा किसको देने वाला है? मेरे को. और मैं क्या करने वाला हूं? इसको. और परम को ये बात अच्छी तरीके से बताया कि ये पैसा कहां जाएगा. उसने कहा परम तू भी पैसे नहीं ले सकता. अगर तू ये पैसा किसको देने वाला है? आगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर उसके एजेंट को देने वाला है, फर्क नहीं पड़ता. पर अब यहां पर अपन ऐड क्या करना चाह रहे हैं? सर वॉट इफ ये अपने को बताया नहीं कि पैसा कहां जा रहा है? इसीलिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स बनते हैं. पैसा ऐसे ही नहीं आ सकता रास्ते चलते, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर चलने वाला है ये वाला पूरा का पूरा, और आपको हर चीज़ का अपडेट मिलेगा, पैसा कहाँ गया, किसके पास गया. और अगर कल पता पड़ गया ना कि तूने इसके कॉन्ट्रावेंशन में कुछ किया है, तो डायरेक्ट तू फिकरा 2010 के पेनल्टी सेक्शन में घुस जाएगा. सबसे पहले पकड़ेंगे तुझे, उसके बाद मुझे, और फिर लास्ट में आपको. पर फाइन सब भरोगे क्योंकि आप तीनों ने मिलकर FCRA का उल्लंघन किया है, पर पेनल्टी तीनों पे आएगी. ऐसा नहीं हो सकता खाली वो मरेगा, अपन दोनों बच जाएंगे. एक्ट को पता था कि तुम लोग ऐसा करोगे कि लेयर्स बना दोगे और सबसे आगे वाले को कह दोगे अबे लगने देना फाइन, हम बैठे पीछे. रिस्क ही नहीं लेते हम, ऐसा सबके ऊपर फाइन लगाएंगे. एकदम ठीक. अभी तक तीन पॉइंट मैंने बच्चे याद रखने की बात किया. सबसे पहली बात,
कोई भी पार्टी डायरेक्ट नहीं ले सकती या फिर उसके मीडिया हाउसेज इन सबको नहीं दिलवा सकती। सेकेंड, कोई भारत का सिटीजन नहीं ले सकता ऐसी पैसा और अपने को दे दे। कोई भी सिटीजन जो खुद पैसा ले फिर मेरे एजेंट को पैसा दे और उसको पता है कि ये पैसा कहाँ जाने वाला है, पॉलिटिकल पार्टी के पास जाने वाला है। डी, नो सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल डिलीवर फॉरेन करेंसी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी। डायरेक्ट पॉइंट है, मेरा भारत का ही बंदा है, बाहर जाके रेसिडेंट होकर बैठा है और बाहर से पैसा भेज रहा है, किसको? पॉलिटिकल पार्टी को। हमने कहा भाई इतनी देर से रिपीट कर रहे हैं, एक भी लूप होल नहीं छोड़ने वाले, तू देश का हो तू नहीं हो, तू देश के बाहर रहता हो तू देश के अंदर रहता हो, तू बाहर फॉरेनर बंदा हो जो यहां आके रेसिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यू आर अ रेसिडेंट, सॉरी फर्स्ट यू आर अ सिटीजन, आइदर माई रेसिडेंट नॉट माई रेसिडेंट, डिबार्ट। यू आर अ फॉरेनर, आइदर माई रेसिडेंट नॉट माई रेसिडेंट, डिबार्ट। यू आर अ फॉरेनर कमिंग हेयर स्टेइंग हेयर, डिबार्ट। सो नेशनैलिटी एंड रेसिडेंटशिप इज नो क्वेश्चन। Sure enough. Last, no person receiving any currency, whether Indian or foreign, from a foreign source on behalf of any person or class of person shall deliver such currency to any person other than a person for which it was received. So practically, इस point का मैंने नीचे conclusion लिखा है. In simple words, we can say that no political party can accept any foreign contribution in any form, directly, indirectly, from any person, whether he is Indian और फॉरेनर। श्योर ना? पक्का? ऑलरेडी डन। अभी ऊपर मैंने आपको एक बंदे के बारे में बताया था, कॉलमिनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर, जल्दी देख लो जल्दी से कौन कौन लोग बेटा प्रोहिबिटेड है। बेटा इन पे भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, पर ये बहुत डायरेक्ट है, मेरे को कुछ भी समझाना नहीं पड़ेगा, आप पढ़ के देख लो। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही चैप्टर में? चलेगा। आराम से रीड लो, कुछ जल्दीबाजी भागने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? लेट्स अहेड। अब इसने क्या बोला, नो प्रोहिबिशन इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब प्रोहिबिशन नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कब कब प्रोहिबिशन नहीं, ये भी बड़ा डायरेक्ट पॉइंट होना चाहिए आपके लिए। पहला, बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस और रेमुनरेशन। आप बात कर रहे हो सैलरी की, आप बात कर रहे हो वेजेस की, आप बात कर रहे हो रेमुनरेशन की, ये तीनों चीजें तब इस्तेमाल होती है जब आपने काम किया हो। सेकेंड, बाय वे ऑफ पेमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आपने कोई ट्रेड वाला काम किया और फिर पेमेंट हुआ है, अलाउड। और कॉमर्स, और बाय एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय फॉरेन सोर्स। थर्ड, बाय वे ऑफ अ गिफ्ट और प्रेजेंटमेंट मेड टू हिम एज मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन। सर अब भी आपने बोला था गिफ्ट नहीं होता, अभी अभी आपने बोला था, पर एक मिनट बात समझते हैं इसने क्या बोला। बाय वे ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटमेंट मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन। भारत से कोई बंदा बाहर किसी के पास गया था और उसके वेलकम में इंडियन डेलीगेशन में उसको कोई गिफ्ट दिया गया। हमने कहा भाई ये कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी है, ये तो आप यहाँ से बाहर गए थे और आपको एक गिफ्ट प्रोवाइड किया क्योंकि इंडिया का बंदा कोई बाहर गया था। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे कोई पॉलिटिशियन यहाँ से बाहर जाते हैं और उनको एक गिफ्ट दिया जाता है इंडियन डेलीगेशन की तरफ से, मतलब फॉरन की तरफ से, क्योंकि इंडिया का डेलीगेट हमारे पास आया है। आपने कहा सर पर फिर भी गिफ्ट तो गिफ्ट ही रहेगा, लिमिट कितनी बताई थी? अगर उससे नीचे हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं, पर 25,000 पार किया ना तो तुझे भी क्या ट्रीट करेंगे हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। यही चीज जो मैंने ऊपर बताई है, एक सेकेंड ना, अभी आने वाला है, आगे मैंने डाल दिया एक बार के लिए पॉइंट, खाली होल्ड करना, आगे आने वाला है। हाँ जी, 25,000 से ऊपर कंट्रीब्यूशन, 25,000 जो लिमिट लिखाई थी ना मैंने, अपने यहां से कोई बंदा बाहर गया लेने, गिफ्ट कहाँ तक परमिसिबल है? 25,000 तक। अबे देश का कचरा है भाई, तू सोच, तू 25,000 का कंट्रीब्यूशन लेने के लिए 5-5 लाख रुपए खर्च करके जाएगा देश के, सोच के देख। यहाँ से तू यूएस जा रहा है, यूएस जाके रुकने वाला है और उसे 25,000 लेगा,
हॉस्पिटैलिटी तो डायरेक्ट बैन है ना, सिर्फ और सिर्फ वन गिफ्ट हैज अ लिमिट ऑफ 25,000, हॉस्पिटैलिटी स्टैंड्स नो लिमिट, गेट माय पॉइंट। ब्रैडली इज अ पॉलिटिशियन, ही वॉन्ट्स टू कम डाउन टू मी, मोस्ट वेलकम, आप आओ, कभी भी RTI फाइल करके देख लेना है, मोदी की स्टेटमेंट्स देख लेना, यहाँ से जाने का बिल, वहाँ का खर्चा, सब कुछ बताएंगे कि हमने इतना सारा खर्चा किया है देश के एक्सपेंस पे और हम लोग बाहर गए। लास्ट टाइम तो किसी ने बहुत बड़ा हवा बनाया था, मोदी ने आईफोन का बिल दिया 1,00,000 रुपये, हमने कहा बाहर जाके ऐसा क्या देख रहे थे, बहुत बड़ा मीम था इसके ऊपर, तो इतना लंबा चला था, तो ट्रेंडिंग था। तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं, तू सोच के देख, 25,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन लेने के लिए तू मल्टीपल कंट्रीज में जाएगा, किसका स्टेट एक्सपेंडिचर अपना। आज अगर मैं तेरे को बोलूं ब्रैडली जाए मेरे लिए कुछ लेके आ, तो ऑब्वियसली खर्चा मेरा है, वो बाहर जाके FDI ला रहा है तो खर्चा तुम्हारा ही, घूमने थोड़ी जाए, ऐसा थोड़ी कि ओबामा की बेटी की शादी थी अटेंड करने के, समझा ना, इट्स द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट नो। नेक्स्ट, फ्रॉम हिज रिलेटिव और अच्छा बाहर से, सर आपका क्वेश्चन, रिलेटिव से पैसा आया तो हमारे पास आता ही नहीं, रिलेटिव का पैसा रेमिटेंस है, फेमा अलाउ करता है रेमिटेंस करना, By way of remittance received in the ordinary course of business, आपने बाहर से अपना ordinary course of business में पैसा रिसीव किया है, एनी ऑफिशियल चैनल, पोस्ट ऑफिस और एनी ऑथराइज पर्सन इन द फॉरन एक्सचेंज अंडर फेमा, अगर आप बाहर से कोई पैसा रिसीव कर रहे हो एकदम कैजुअल बिजनेस के मोड में, कंप्लीटली परमिसेबल। अभी तक आप देखो क्या क्या चीज़ें अलाउ कर रहे हैं अपन बेटा, सैलरी अलाउड, कोई बाहर से पेमेंट आया इंटरनेशनल ट्रेड्स में अलाउड, आपको बाहर से कोई गिफ्ट मिला अप टू 25,000 अलाउड, फ्रॉम हिज रिलेटिव्स अलाउड, By way of remittance received in the course of business, आप foreign exchange की तरह ट्रेड किए जाओगे, सिंपल है। लास्ट, आपको बाहर से स्कॉलरशिप मिली है, सुपर 30 देखी थी, वो अपने आके प्रोफेसर को उन लोगों ने बाहर से बुलाया था कि आपको हम स्कॉलरशिप देंगे बाहर आके पढ़ लो, अलाउड। एनी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड, स्टाइपेंड का मतलब क्या होता है, कुछ छोटी मोटी पगार दे देंगे, आप आ जाओ हमारे पास काम करने, इंटर्नशिप करने, एंड पेमेंट ऑफ लाइक नेचर। हाँ भाई, ऑलरेडी डन, जल्दी से रीड करवा देता हूँ। अच्छा बेटा, टॉपिक का नाम पढ़ना, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अभी जस्ट आप पढ़ के आए थे, पर्सन प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल फ्रॉम टेकिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब याद है, टिकट्स करा रहे हैं वहां पर रुक रहे हो। Following persons are not allowed to accept hospitality while visiting to foreign country except with the prior permission of central government. Central government allow करती है ना, तो आप जा सकते हैं। कौन कौन लोग? Member of a legislature, office bearer of any political party. अच्छा बेटा, office bearer of any political party का मतलब क्या है? राहुल गांधी is an office bearer of Congress. ठीक है, that's it. He is an office bearer जो head party को संभाल रहे हैं. These are office bearers. Board of directors to company are office bearer to political parties. Board of directors to company are office bearers to political parties. Judge, government servant, employee of any corporation owned and controlled by the government. एक एक का लॉजिक है आपके पास, एक बार वापस से बात कर लेते, कौन कौन लोग foreign hospitality नहीं accept कर सकते, member of legislature नहीं चलेगा, second, office bearer of any political party, third, judge, fourth, government employee and fifth, any employee of a corporation which is controlled by गवर्नमेंट। हाउएवर, अच्छा इन सब लोगों को अगर हॉस्पिटैलिटी लेनी है तो पहले किसका अप्रूवल लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। हाउएवर, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू ऑब्टेन एनी सच परमिशन फॉर एन इमरजेंसी, इमरजेंट मेडिकल एड नीडेड ऑन अकाउंट ऑफ सडन इलनेस कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग अ विजिट आउटसाइड इंडिया। इन दिस रिगार्ड द पर्सन हु रिसीव सच हॉस्पिटैलिटी शैल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच हॉस्पिटैलिटी। इसका मतलब क्या हो बच्चे? सोनिया गांधी बाहर गई हुई थी, बाहर उसने किसी देश के अंदर का कोई कल्चर देखा, बड़ी ईमानदारी देखी और उसका हार्ट वहीं करप्ट करके वो सांस नहीं ले पाई वहाँ, उसने कहा नहीं इतनी ईमानदारी नहीं, उसका हार्ट करप्ट हुआ, वहीं से उसको उठाया जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए ट्रीटमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट बोला मैडम पूरा खर्चा हमारे ऊपर है, आप आराम से इलाज करो, उठना भी मत आप। तो दीदी भी वहीं थी, दीदी के इलाज का खर्चा आया 40,00,000 रुपये। और बाहर, अच्छा बाहर आपको 30-40,00,000 रुपये ना बहुत कम है, आप है ना कोई भी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, अपने यहाँ पे कोई बड़ी हॉस्पिटल में चले जाना, इंडिया से ज़्यादा फॉरेनर दिखेंगे आपको। इंडियन हॉस्पिटल महंगा इसलिए क्योंकि वहाँ फॉरेनर मर पड़े, वरना है ना जो रूबी हॉल यहाँ पे चार्ज करता है, जो अपोलो चार्ज करता है ना, वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कई गुना ज़्यादा है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते बाईपास में 3.5-4 लाख रुपये देना, पर दे चार्ज क्यों? क्योंकि बाहर बाईपास के लिए 12-15 लाख रुपये लगते हैं, तो वो आराम से 1,00,000 की टिकट कराते हैं,
300,000 का ऑपरेशन कराते हैं, चिल करके एंजॉय करते हैं और 1,00,000 में वापस चले जाते हैं। तो 5,00,000 रुपए में उनका पूरा फैमिली ट्रिप प्लान हो जाती है और सर्जरी भी हो जाती है। वहां पे 10,00,000 रुपए ज्यादा लगते हैं और घूमने को भी नहीं मिलता, और यहाँ पे फॉरेनर्स को इज्जतपन ज्यादा देते हैं अपने हिसाब से, वो इंग्लिश बोल रहे हैं एकदम, बस खत्म हो गई बात। सो दैट्स बीइंग सेड उनकी वजह से ना हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है, इसीलिए बहुत महंगाई है। अच्छा आप बाहर हो, बाहर का ट्रीटमेंट है भाई लोग अलग लेवल महंगा, वहाँ हॉस्पिटैलिटी मिली ना, हम समझते हैं। अब उस टाइम तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो आएगा नहीं, अरे भैया वो हार्ट अटैक आया है, वो परमिशन देना, तुम ऑपरेशन करवा लो, करवा। जिस दिन हॉस्पिटैलिटी मिली उसके 1 महीने में तो ठीक हो जाएगा, 1 महीने में बता देना। ओके सर 1 महीने में भी नहीं हुआ, दीदी को पैरालिसिस आ गया है और उनको देख के, उनके बेटे को उनको देख के अडवानी सबको आता जा रहा है, पैरालिसिस कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, OOBH सबको मिलता है, आप सफिशियंट कॉस्ट दे देना, जितना डीले होगा परमिसिबल है। पर एट द फर्स्ट इंस्टेंस कितना टाइम का टाइम है, 1 महीने का टाइम है आपके पास, श्योर ना? हाँ जी ऑलरेडी डन, रीड करके देख लो। आप कहाँ जा रहे हैं तुम, ऐसे ऐसे कैसे रहा, कहाँ जा रहे हैं सर, वेंसडे समझो क्या, किसके 5-10 मिनट रुक जाओ ना, चैप्टर ही खत्म होने वाला, बस पेज देख लेगा तुमने पीछे तक। अच्छा हाँ याद आया, याद तुम्हारा वाला याद आया, तेरे को जाना है, सबको नहीं बोला, उन दोनों को बोला था, दस साल है ये करके, ठीक है हाँ जी देख लेगा। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द एम्पावर टू ए प्रोहिबिट एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा बेटा मैं सच्ची बोल रहा, अब है ना जेन्युइनली मैं आपको बता दूं इसमें कितना सा चैप्टर है, दिस पेज बस, यहां से तो पेनल्टीज एंड पनिशमेंट है, अच्छा 5-10 मिनट और पढ़ा दूं फिर छोड़ दूं, इतना तो जस्टिफाइड है। आज मेरे लेक्चर्स बहुत कम हो गए ना, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी बच गई है, हेलो कल से ज़्यादा दिल भाई तू लेक्चर रात को मत रोक, समझता हूँ मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू ए प्रोहिबिट एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, बी रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू ऑब्टेन परमिशन। अच्छा है ना, बिल्कुल BBIMPNH चीज़ है, सुनना आप पहले टॉपिक का नाम पढ़ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, उसने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी पर्सन को रोक सकती है कि आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेना। सेकंड, वो किसी को भी बोल सकती है कि पहले हमसे परमिशन लेना फिर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना, ऑब्टेनिंग और बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। थर्ड, रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू फर्निश इंटीमेशन विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू ऑब्टेन परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ना तो एक क्लास ऑफ पर्सन भी डेजिग्नेट कर सकता है जिनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, कभी भी कोई भी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन लेने से पहले, बात खत्म। लास्ट, रिक्वायर एनी क्लास ऑफ पर्सन टू फर्निश इंटीमेशन विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब एज टू द रिसीट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड द सोर्स फ्रॉम विच एंड द मैनर इन विच सच हॉस्पिटैलिटी वॉज रिसीव्ड। लोगों के लिए यह भी बोला जा सकता है आपको इतने दिनों के अंदर हमको बताना है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कहाँ से ली, इतने दिन में हमको बताना है कि हॉस्पिटैलिटी कहां इस्तेमाल करने वाले हो, श्योर? सो दिस इज अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक बार देखने के लिए पर्पस पे था ये। एंड नाउ इट कम्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? अभी अभी आपने ऊपर एक वर्ड यूज किया, क्या था, एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन। आ जाओ, द पर्सन हैविंग डेफिनेट कल्चरल इकोनॉमिक एजुकेशनल रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम शैल एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर ही ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझे आप, इसने क्या बोला, किसको रजिस्ट्रेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट? हमने बोला कोई ऐसा पर्सन, अच्छा बेटा पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल, कोई HUF, कोई एसोसिएशन, कोई NPO, the person having a definite cultural, कोई economic,
कोई एडुकेशनल या कोई रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम है, मतलब ये जीव मात्र की भलाई की बात कर रहे हैं, जो कुछ बेनिफिट के लिए इस पैसे को यूज़ करने वाले, मार्केटिंग पब्लिसिटी के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। शैल एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बट वेन आफ्टर दे ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला लॉजिक एकदम क्लियर है। अब इन्हें नेक्स्ट चीज़ ये क्या बता रहा है, डीम्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है। एनी एसोसिएशन रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, एसोसिएशन ही किससे रजिस्टर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और ग्रांटेड परमिशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रजिस्टर्ड एज प्रायर परमिशन अंडर दिस एक्ट। जो एसोसिएशन बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डेफिनेट इकोनॉमिक कल्चरल एडुकेशनल रिलीजियस काम करने के लिए, उसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। सच रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रिक आने वाली है, या मैं अभी बताऊंगा नहीं, आप मुझे बताओगे क्या बात हुई। आगे चल के कुछ 6 महीने की बात होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ पहले से। सच रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस सेक्शन कम्स इनटू फोर्स, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ऊपर वाली बात को पैराग्राफ फॉर्म में कैसे लिखा जाता है देखना। इफ अ पर्सन हु इंटेंड्स टू टेक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। वाओ, आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करो कि हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजेक्ट द एप्लीकेशन बाय एन ऑर्डर इफ द एप्लीकेशन इज नॉट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म और डज नॉट कंटेन द नेसेसरी पर्टिकुलर्स। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट। ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल द कंडीशंस आर कंप्लाइड विद। जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि आपने सारी कंडीशंस पूरी किए, देन इट शैल रजिस्टर सच पर्सन एंड ग्रांट हिम अ सर्टिफिकेट और प्रायर परमिशन। ऑर्डिनरली द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। बहुत टफ था, 90 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, एप्लीकेशन पूरी नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट ग्रांट परमिशन विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days इट शैल कम्युनिकेट द रीजन देयरफॉर। श्योर, ये आपके लिए एक डायग्राम है, एक बार भी देखना, आपको डायग्राम में कुछ समझाने की जरूरत है। पर्सन हु इंटेंड्स टू गेट द रजिस्ट्रेशन फाइल्स एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर द एप्लीकेशन इज कंप्लीट और नॉट, इफ नॉट विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन, इफ यस एंड इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल द कंडीशंस आर कंप्लाइड, वो आपको 90 दिन के अंदर रिसीट दे देगी ऑफ योर सर्टिफिकेट, नो सर्टिफिकेट ग्रांटेड तो रीजन दे देगी। श्योर ना, जस्ट बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है डजंट मीन आपको रजिस्ट्रेशन मिल नहीं है, नो तो वो बाद में ही बोली सकती है ना। कंडीशन फॉर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और ग्रांट ऑफ प्रायर परमिशन इज नॉट फिक्टिशियस और बेनामी। बेनामी प्रॉपर्टी याद है, फिक्टिशियस नेम है, अपने को पता ही नहीं किसके नाम पे। सो द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये पहली कंडीशन है कि आप ओरिजिनल नाम पे। सेकेंड, बहुत तगड़ी बात कहेगा अभी, ही इज नॉट फाउंड गिल्टी और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स फंड्स। आपको कभी भी गिल्टी नहीं पाया गया है, कभी ये नहीं पाया गया कि आप पैसा हेवाई कर रहे हो, हेवाई का मतलब इधर उधर इन्वेस्ट करके घुमा रहे हो, मतलब काला धन घुमा रहे हो, इधर उधर ले जा रहे हो डाइवर्जन, या फिर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स फंड्स। दो चीज़ें, गलत नाम पे नहीं है, कभी आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं था कि आपने पैसे इधर उधर घुमाए। क्यों? क्योंकि आपने पैसे इधर उधर घुमाए तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन में भी ऐसा कर ही सकते हो ना। थर्ड, हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड। वर्ड सुन रहे, उसने क्या बोला, ना आप कभी प्रोसिक्यूट हुए हो और ना कन्विक्ट हुए हो फॉर इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज एम्ड एट कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजियस फेथ टू अनदर। समझ में आया क्या? आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने कभी किसी का रिलीजियस फेथ चेंज करके कहीं और करने की कोशिश करी। आपने कहा सर ये पॉइंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि बिटवा आपको अभी अभी रजिस्ट्रेशन किसके लिए मिल रहा था, जिनको कोई कल्चरल एडुकेशनल या सोशल प्रोग्राम करना है। हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि तू कल्चरल प्रोग्राम ऑन करेगा और उसके बाद लोगों को बोलेगा कि नहीं नहीं अपना फेथ चेंज करके कहीं और एंटर कर जाओ। हमें यही डर है कि आप ऐसा नहीं करो। इसीलिए अगर आप वो इंसान हो जिसके ऊपर कभी इल्ज़ाम भी लगा या वो कभी कन्विक्ट भी हो गया कि उसने ऐसा कोई अफेयर में इंडल्जमेंट किया है, क्वेश्चन कम्स टू एन एंड, तेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं है, तू तेरे रस्ते। यहाँ तक बोलो, इज नॉट अ फिक्टिशियस, नाइदर गिल्टी ऑफ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, neither prosecuted or convicted for indulging in any activity, has not been prosecuted or convicted for creating communal tensions. What's communal tension? उग्रवादी कर रहा है, उग्रवाद कर रहा है। क्या राम मंदिर बनेगा? मस्जिद नहीं, माई गॉड,
आज अगर मुसलमान नहीं उठाना तो कभी नहीं उठ पाएगा। उठाओ तलवार मेरे भाइयों, और कुछ नहीं है, इसे बोलते कम्युनल टेंशन, देश में भड़काव बना लाना, जो भी ओएसी कर रहे हैं। ओएसी ने उस दिन क्या बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट से नाखुश हैं, फिर बोलता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर बोलता है कि अरे अगर मैं हैदराबाद में झोले लेके घूमूं तो मुझे इतनी भीख मिल जाएगी कि हम उससे बड़ी ज़मीन खरीद लें। हमने बोला क्या बताना चाह रहे हो, हम आपको भीख थोड़ी दे रहे थे, क्योंकि आर्कियोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है कि मस्जिद से पहले भी वहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर की चीज़ें पाई गई हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदूज के फेवर में जजमेंट दिया, और आपके सेंटिमेंट्स की इज्जत रखते हुए हमने वहाँ आपको एक और 5 एकड़ ज़मीन दी। दूसरी बात, सबसे बड़ा लॉजिकल इसका जो मुझे समझ में आया आज, मतलब दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन, दिस इज़ वॉट द पीपल सेट आउट देयर, जहाँ पे आपने पहला ओपिनियन दिया कि भाई जैसा आप लोग बोलते हो कि भाई हम लोग हज पे जा रहे हैं, या फिर हमें ना आपका हज मतलब हमारी तीर्थ यात्रा। आप सोचो अगर कोई आपके बोले आके बोले कि हाजी अली दरगाह यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे तो ऐसा था वैसा था, या फिर हम कभी इसे तोड़ दे, तो क्या आप जिद नहीं करोगे? जितना आपका इससे अटैचमेंट है उतना हमारा अयोध्या से अटैचमेंट है, आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आपको ये समझाना है। तो ये सेकंड बार बार लोग कह रहे थे, पर यहाँ पे एक जना बीच में आ रहा है, सेंटिमेंट इंटेंशन कुछ भी हो पर मस्जिद यहीं बनेगा, आप इस बात पर लड़ रहे हो। ऐसे बंदों को कहते हैं जो कम्युनल टेंशन क्रिएट करते हैं। हमने कहा तू तो बिल्कुल सर्टिफिकेट मत लेना फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन का, वरना तो बाहर से पैसा लगा यहाँ पे कम्युनल टेंशन ही क्रिएट करेगा। चार लोग, पहला गलत नाम, दूसरा गलत पैसा इस्तेमाल, तीसरा किसी को कन्वर्जन करने के लिए इल्ज़ाम भी लगा है, चौथा आप कभी प्रोसिक्यूट या कन्विक्ट हुए हो ऑफ फॉर एनी कम्युनल टेंशंस, ई इज नॉट एंगेज इन प्रोपगेशन ऑफ सिडिशन और एडवोकेट वायलेंट मोड टू अचीव एंड्स। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिडिशन? एनीवन ट्राई तो कर, कोई बात नहीं, अगर आ रहा है दिमाग में तो कोई बात नहीं, गलत नहीं तो मैं हूं ना, आप दंगे बोल लो। अच्छा सिडिशन मतलब ये नहीं होता, बलिदान। अबे सेक्रेट गेम्स पार्ट 3 12 सेक्रेट गेम्स की बात नहीं कर रहा, कोई टेररिस्ट यहाँ पे आके जब ब्लास्ट कर देता है ना खुद को या कुछ करता है, हाँ मतलब वो क्या करते हैं, वो खुद को समझते हैं कि ये लोग जिहादी हैं और इनको जन्नत मिलने वाली है, जस्ट बिकॉज दे ब्लास्टेड देमसेल्फ एंड अलॉन्ग विद देम बहुत सारे लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं। सो हमने कहा ये क्या करना चाह रहे हो आप, मतलब आपका यही मोटो था ना, तो हमने बोला कि जो लोग इसे वायलेंट मोड यूज़ करते हैं, अच्छा सेटनिज्म, हैव यू हर्ड अबाउट दिस सेटनिज्म? यू हर्ड अबाउट इट, दे गिव ईच अदर सेल्फ, दे गिव ईच अदर पेन, और वो पेन देके कहते हैं कि मतलब आपके सिंस खत्म हो रहे हैं, या फिर मतलब अगर उनका हिंदी वर्जन बोलो तो आप शैतान को पूजो, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसी बेवकूफ़ों वाली जो बातें कर रहे हैं ना उनके लिए। द नेक्स्ट चीज़ कि आप लोग भी रजिस्ट्रेशन मतलब आप पूजो जाओ उस तरफ, एकदम ठीक है। ए से लेके ई तक बात समझ में आ गई, तुमने रिलीजन के नाम की मस्ती करी, तुमने रिलीजन के नाम पे दंगे किए, तुमने रिलीजन के नाम पे पेन्स इन्फ्लिक्ट करना सिखाया, तुमने पैसा इधर उधर ले जाना सिखा दिया, या फिर तुम लोग कभी भी गिल्टी रहे हो, आई एम सॉरी, या फिर तुम कोई फिक्टिशियस पर्सन हो, सब लोग डिबार्ड हो, आने ही मत रजिस्ट्रेशन मांगने। शौर्य लास्ट इज नॉट लाइकली टू यूज द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पर्सनल गेन्स और डाइवर्टेड फॉर अनडिजायरेबल। अच्छा इसको एक मिनट प्लीज करना, नॉट हटा देना, यस इज लाइकली टू यूज, अरे आई एम सॉरी प्लीज नॉट रहने देना, प्लीज नॉट रहने देना, क्यों मतलब, क्योंकि ऊपर अपन ने नॉट से ही बता रहे कि आप फिक्टिशियस नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुद के गेन के लिए पैसा यूज नहीं करोगे, अगर खुद के गेन के लिए पैसा यूज कर रहे हो तो वापस से हम आपको रोक लेंगे। जी हैज नॉट कॉन्ट्रावेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अच्छा फर्स्ट पॉइंट में बोलो कोई दिक्कत है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के? नहीं। सेकंड, हैज नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आपको एक्ट ने या फिर गवर्नमेंट ने कभी प्रोहिबिट किया था कि तू तो लायक ही नहीं है, बाहर निकल। वंस नालायक ऑलवेज नालायक, ठीक। थर्ड, द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज अंडरटेकन रीजनेबल एक्टिविटी इन इट्स फील्ड फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी फॉर विच द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज टू बी यूटिलाइज्ड। बात एकदम क्लियर है? इसने क्या बोला, जो पर्सन एप्लीकेशन मांग रहा है उसने रीजनेबल एक्टिविटीज की हैं जिससे सोसाइटी का भला हो, तो हमें पता भी पड़ेगा भाई आपने अच्छा काम किया। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड सदगुरु, दिस पर्सन सदगुरु आपने सुना है ना? अच्छा एनी वन हु फील्स दैट दिस गाय इज अर्निंग मनी और ये तो बेवकूफ बना रहा है लोगों को बैठ के, अच्छा एट टाइम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील कि काम भी करते हैं। मैं बाकी सबकी बात भी एक बार करूँ तो अपन ऑलमोस्ट यूनानिमस है कि सर हमें ऐसा लगता नहीं है। अच्छा कुछ तो भला किया उसने,
अभी रिसेंटली एक पिटिशन लेके आया कि 4 करोड़ पेड़ लगाने, आप डोनेशन कर सकते हो 14 रुपये से लेके कितना भी आगे तक, आपके पैसों से पेड़ लगेगा, 14 है या 40 रुपये मेरे को नहीं पता, पर ऐसा जो भी है, मतलब मेरे को याद नहीं है, पर वो एक पिटिशन लेके आया, उन्होंने बोला ना पूरे फॉरेस्ट की सत्यानाश हो गई, हम करेंगे। अरे जाने दो, तू भगवान नहीं, अरे जाने दो तेरे में अक्कल नहीं, कुछ भी ठीक है, सब चलेगा, काम तो बढ़िया कर रहा है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कर रहा है, कोई रिलीजन प्रमोट नहीं कर रहा आज तक उन्होंने कभी आके ना, कोई ऐसा नहीं बोला जय श्री राम, या फिर उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला जीसस, ही इज ऑलवेज मेंटेन इट। अब वो आपको सिर्फ आके एक ग्रीट करते हैं और वो आपके सामने द कर्मा थ्योरी, द आइडिया ऑफ समथिंग जो प्रोपोगेट करना चाह रहे फॉर द एंटायर कम्युनिटी, हम कहते हैं ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन दो जिसने कभी तो कुछ भला किया हो। आसाराम बाबा, मिल गया जवाब, बस इसे कहते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन। A person making an application for giving prior permission has, prepared a reasonable project for the benefit of society. अरे आप लेके तो आओ कि इस पैसे का करोगे क्या, रजिस्ट्रेशन तो हम आपको दे रहे हैं पर इस बाहर के पैसे का करने क्या वाले हो, बता दो और ले लो पैसे। The applicant has neither been convicted under any law nor any prosecution is pending against him. ये पॉइंट तो अपन ऊपर ही पढ़ चुके हैं, ना प्रोसिक्यूशन ना कभी। अब देखो ऊपर वाले पॉइंट में ना उसने प्रोसिक्यूशन को सिर्फ दो ही चीज़ों से रिलेट किया था। पहला उसने जो प्रोसिक्यूशन की बात करी थी वो करी थी कि आपने कभी कन्वर्जन में बिलीव नहीं किया, दूसरा उसने बात करी थी मिस यूटिलाइजेशन में, और फिर आपने कोई झगड़े वगड़े नहीं कराए। नीचे उसने आउटरेजेस एक और बात कह दी, तू कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्रोसिक्यूट नहीं होना चाहिए, खत्म। तो ऊपर वाला पॉइंट तो छोड़ दे, तू और कहीं भी प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता, कन्विक्शन की तो बात ही नहीं है, प्रोसिक्यूशन की कहानी है। The person being other than an individual, any of its director, अच्छा अभी कंपनी की बात कर रहे हैं, any company, directors or its office bearer has neither been convicted under any law for the time being in force nor any prosecution for any offence is pending against him. समझा गया तक? इसने क्या बोला यहाँ पे? The acceptance of foreign contribution by any person is not likely to affect prejudicially. अच्छा है ना, इस पॉइंट का मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक बार देख लो। इसने क्या बोला, हम तेरे को ऊपर रजिस्ट्रेशन देंगे पर ये जो रजिस्ट्रेशन का पैसा आ रहा है ना वो कभी भी इनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। देख के देख लो कितना लॉजिकल बात है। पहला, मेरे देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे बात नहीं आनी चाहिए। सेकंड, कभी भी मेरे देश की सिक्योरिटी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट नहीं खराब करना, किसी की भी फ्रीडम और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर, मतलब वापस कि तू किसी पॉलिटिकल पार्टी को जबरदस्ती कंफ्यूज करे या लोगों के वोट खरीदने की कोशिश करे बाहर से पैसे आके, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशन विद एनी फॉरेन स्टेट, दूसरे स्टेट से हमारा रिलेशन खराब हो रहा है क्योंकि तू कॉन्ट्रीब्यूशन लाके यहाँ पे कुछ गलत कर रहा है। हार्मनी बिटवीन रिलीजियस रेशियल सोशल लिंग्विस्टिक रिलीजियस ग्रुप्स, इसका मतलब क्या है? हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन और यहाँ पे हिंदुओं को लड़वा दिया तूने कॉन्ट्रीब्यूशन लाके, करना ही नहीं ऐसा काम। नेक्स्ट अप, एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन शैल नॉट लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। आप पैसा लेके आए हो, लोगों को उकसा रहे हो कि डर मत, अगर तूने अच्छा कश्मीर लोगों को पत्थर दे रखे, मिलिट्री के ऊपर पत्थर फेंकना, हर पत्थर मारने पे स्टोन पेडलर्स कहते हैं इनको, इनको पैसे मिलते हैं, जितने पत्थर मारे उतने पैसे। हो सकता है ये पैसा बाहर से आ रहा हो, क्योंकि जब इंडिया तुमको दे नहीं रहा, तुम खुद कुछ कमाते हो नहीं, तो पैसा आ कहाँ से रहा है? जाहिर सी बात है पड़ोसी देश ला रहा है कहीं से पैसा तुम्हारे लिए पत्थर फेंकने के लिए, और इंडिया को पैसा देगा इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए, और आप मन मर्जी तो फेंकोगे नहीं, पागल तो हो नहीं, कोई पत्थर उठा के दौड़ रहे हो। शैल नॉट एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, यहाँ तक बात समझ में आई है? कल इसके आगे बढ़े, थक गए हो बहुत, मैं तो बोलूँ आप एकदम ख़त्म पे आ ही गए हो यार, बहुत थक गए, भूख लगी है सबके लिए, अगर शेवपा मंगाऊँ तो सोच लो, लंच भी नहीं गया क्योंकि बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे, सस्पेंशन, कैंसिलेशन, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और ये हो गया इंटीमेशन, और ये हो गया पेनल्टी, और ये हो गया खत्म, जा रहे हो गया, ठीक है। अच्छा अपन आज पहुंच गए 4.8 पे ना, हाँ जी ठीक है, कल इसके आगे बढ़ते हैं, और कल आपका फाइनल चैप्टर ऑफ माय सिलेबस विल स्टार्ट। यहाँ तक एकदम क्लियर है? अच्छा सब कुछ क्लियर तो है, कोई डाउट तो नहीं रह गया आपके इसमें? चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर में आपका बैठने के लिए, आभार।